आज मिल गया एक और सच्चाई का पुजारी मिट्टी में। आग इनके शरीर को तो राख कर देगी, लेकिन इनकी आत्मा की आवाज कभी मिट नहीं पाएगी। पुलिस डिपार्टमेंट के इतिहास में टीआईजी रुद्र प्रताप चौहान का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बहन, भगवान की मर्जी के सामने इंसान बेबस है। मुझे आपके परिवार के साथ पूरी हमदर्दी है। बहुत हो गई हमदर्दी। मंत्री साहब, ये भाषण बंद कर दीजिए। कुछ ही दिनों के बाद आप ही के डिपार्टमेंट के लोग जब इनका घर खाली करवाने जाएंगे ना, तब मैं पूछूंगा आपको हमदर्दी के बारे में। बागले, कंट्रोल योरसेल्फ। जब तक हमारे डिपार्टमेंट के गद्दार और खादी के कपड़े के पीछे छिपे हुए दरिंदे जिंदा रहेंगे ना, ये चिताएं ऐसी ही जलती रहेगी, एक के बाद एक। कुछ चंद सिक्के मिलेंगे भाभी को सरकार की तरफ से भविष्य के लिए। बागले, स्टॉप इट। बोलने दो इसे। ठीक ही तो कह रहा है, लेकिन मैं वचन देता हूं कि डीआईजी रुद्र प्रताप की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैंने दिल्ली में केंद्र सरकार से बात कर ली है, इनकी हत्या की तुरंत ही न्यायिक जांच होगी। आज तक कौन सी कमेटी ने सही जांच करके मुजरिम को सजा दी है? यह आपकी कमेटी समिति की जांच की फाइलें होती है ना, ये ढुलमुल सरकार बदलते ही गुम हो जाती है। न्यायिक जांच करेगी दिल्ली, अंधी और वैरी दिल्ली। ये दिल्ली बस मुंह है इसलिए पटर पटर करती रहती है। ये करना है, ये होना चाहिए, हमें दिखाना है, बस दिल को तसल्ली देने के लिए अच्छा लफ्ज है दिल्ली। इंस्पेक्टर वागले, मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। बस सस्पेंड होते होते मैं थक गया हूँ, निकाल दो मुझे नौकरी से। सच्चे पुलिस की या तो मौत होती है या तो सस्पेंड किया जाता है। इस वर्दी ने मेरे हाथ काटे, वरना एक एक गले चीर देता मैं। सत्यवादी दुबे, ढोकले के औलाद, ये कौन सी फिल्म लाया है? हमें उसकी सूरत देखनी है, उसकी बहादुरी की चर्चा नहीं सुननी। अरे जंग के मैदान में कोई भी तितमारखा बनकर वीर और परमवीर चक्र झटक लेता ही है, लेकिन वो कितना भी बहादुर क्यों ना हो, मेरी तलवार की धार से और गोलियों की बोछार से उसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बोछार से बनना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। अच्छा, तो यही है तुम्हारा ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। ढूंढा लो इसे। खबरदार, कोई हिलेगा नहीं। हमारे कमांडोज ने तुम्हारे सब साथियों को घेर रखा है। स्वामी जी, जरा अपने पीछे भी नजर डालो। ये कमांडो बड़ा खतरनाक है। तुम्हारा बाप है, पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट डालता है। तुम्हारी भलाई अब इसी में है कि बिना हिले जुले खामोश खड़े रहो। दुबे नाम है सत्यवादी, सत्यवादी दुबे। जैसे गधे की पीठ पर घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती, वैसे ही तुम्हारे कंधों पर ये सितारे अच्छे नहीं लगते। और ये कमरबंद पेटी भी अच्छी नहीं लगती। अब वो कसम याद करो जो तुमने खाई थी ये वर्दी पहनने से पहले। हम कसम खाते हैं कि हम पूरी ईमानदारी और वफादारी से देश और कानून की रक्षा करेंगे। हम तुम्हें सिर्फ ये बताने आए हैं कि अगर तुमने
तिरंगे के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही कभी किसी मुजरिम ने सोची होगी। हेलो, इंस्पेक्टर वागले स्पीकिंग। नो, सस्पेंडेड इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले स्पीकिंग। सर, डीएसपी साहब ने आपको अर्जेंट बुलाया है, कल से ड्यूटी ज्वाइन करनी। फिर इंस्पेक्टर वागले, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तमाम पुलिस ऑफिसर्स की फाइल्स देखने के बाद ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ने सिर्फ तुम्हें चुना है। सर, अब तुम दोनों को मिलकर काम करना है, लेकिन तुम पूरब हो तो वो पश्चिम है, इसलिए सीनियर ऑफिसर होने के बावजूद मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह के साथ मिलकर जो भी खेल खेलना, शांति और ठंडे दिमाग से खेलना। सर, बड़े प्यार से खेलते हैं आप। असली खिलाड़ी मरने वाले दुश्मन को पता भी नहीं चलने देते कि कब होगी उसकी मौत। तो फिर प्रलयनाथ को छोड़ क्यों दिया? क्या उससे गले मिलने गए थे? गले मिलने गए थे, उसके गले का माप लेने गए थे कि वो फंदे की मौत मरेगा या हमारे पंजे की। वागले, गर्म जोशी अच्छी चीज है लेकिन हमेशा काम नहीं आती। तुमने तो देखा ही होगा, इसी गर्मजोशी की वजह से तुम कई बार सस्पेंड हो चुके हो। नौकरी की परवाह है किसको? यहां है कौन अपने पीछे रोने वाला? इस ईमानदारी की वजह से बहुत कुछ भुगता है, कोई तकरार नहीं है सर, लेकिन ये गुनाहगार कानून को हाथ में लिए फिरते हैं और मैं हमेशा कानून के दायरे में रहकर काम नहीं कर सकता। अपना तो उसूल है, पहले लात फिर बात, उसके बाद मुलाकात। भाई वागले, अपना तो उसूल है, पहले मुलाकात फिर बात, और फिर अगर जरूरत पड़े तो लात। बड़ी उम्मीद थी आपसे, लेकिन अब पता चला आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। आप नरम खून के, मैं गर्म खून का, हम एक साथ काम नहीं कर सकते सर। वागले, तुमने समझा कि जिंदगी में सिर्फ तुमने ही बहुत कुछ खोया है। इस इंसान को देखो, जब चाहता ये घर बसा सकता था, लेकिन नहीं, इस अकेली जान को हमने अपने देश के लिए उठा रखा है। दोनों का मकसद एक है, मंजिल एक है, सिर्फ रास्ते अलग अलग है। नहीं वागले, हमारे रास्ते भी एक हैं, मंजिल भी एक है, और फिर इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हारा कौन है? कोई भी नहीं सिवाय फर्ज के। इस दुनिया में हमारा कौन है? कोई भी नहीं सिवाय फर्ज के। अगर फर्क है तो सिर्फ सोचने के ढंग में और काम करने के तरीके में। अब हमें इस फर्क को मिटाते हुए ये युद्ध एक साथ लड़ना होगा। योर ऑनर, अब हमारा आखिरी एक ऐसा चश्मदीद गवाह है जिसकी सच्चाई पर कोई शक नहीं कर सकता, और वो है इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब, शहीद स्मारक पर जो भी कुछ हुआ मेरी आंखों के सामने हुआ। मुझे इस बात का ताज्जुब है और अफसोस भी है कि ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह जैसे जिम्मेदार और सुलझे हुए अफसर ने ऐसा कदम क्यों उठाया जिससे निर्दोष लोग मारे गए। इस हत्याकांड के जिम्मेदार ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ही हैं। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, अदालत ने आपके खिलाफ सारे बयान सुने, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे या आपका कोई वकील है? हम अपनी डिफेंस खुद करेंगे, सिर्फ आपकी इजाजत चाहिए। इजाजत? आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जज साहब,
क्या अदालत को यकीन है कि गीता और कुरान या बाइबल जैसे पवित्र ग्रंथों पर हाथ रखकर जो गवाहियां दी जाती हैं वो सच होती हैं? अगर इन कसमों के बावजूद भी गवाह सच नहीं बोलता तो फिर अदालत में इन पवित्र ग्रंथों का अपमान किस लिए जज साहब? अगर फैसला ऐसे सबूत और गवाहों की बिना पर ही होता है जो पैसे से खरीदे जा सकते हैं तो बंद करवा दीजिए ऐसे रस्म रवाज जो कि झूठे हैं। ये मुकद्दस ग्रंथ हमारे धर्म और ईमान का ताज हैं, हमारी जिंदगी की बुनियाद हैं। हम ये कसम खाएं भी तो कैसे खाएं? यह अदालत आपकी दलीलों की कदर करती है ब्रिगेडियर साहब, लेकिन यह अदालत की बरसों पुरानी रस्म है जो मैं नहीं बदल सकता। तो फिर हम भी अपने जमीर के खिलाफ नहीं जा सकते, चाहे वो अदालत हो या जंग का मैदान। आप अपना फैसला सुनाकर अदालत की रस्म को पूरा कीजिए। तमाम सबूत और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शहीद स्मारक पर बेगुनाहों पर पुलिस ने गोली ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह के कहने पर चलाई, इसलिए यह अदालत ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह को 1 साल कैद की सजा सुनाती है। हमारी मीटिंग का बंदोबस्त हो गया? यस सर। सूर्यदेव सिंह को आप जेल के तहखाने में मिल सकते हैं। गवर्नमेंट डिसिप्लिनरी एक्शन का मामला है, इसलिए हमारे साथ हमारे सेक्रेटरी के अलावा और कोई नहीं जाएगा। राइट सर, दिस वे प्लीज। आप इधर उधर देखने की तकलीफ मत उठाइए मंत्री साहब, हम देख भी चुके हैं और सुन भी चुके हैं। यहां दीवारें तो हैं लेकिन इनके कान नहीं। आपका वागले से अलग हो जाना, वागले का भरी अदालत में आपके खिलाफ बयान देना, आपका गिरफ्तार होना, भाई ये सब मेरी समझ में पूरी तरह से नहीं आया। इसलिए तो आपको हमने याद किया है, और जब कभी जरूरी समझा जाता है तो इंस्पेक्टर वागले इसी तरह भेष बदल कर हमसे मिलने यहां आते रहते। सर, ब्रिगेडियर साहब का हमसे अलग होना, जेल में आ जाना, इससे दुश्मन हमें कमजोर समझकर लापरवाह हो जाएंगे और उनकी इसी लापरवाही का फायदा उठाकर हम उनकी जड़ें आसानी से काट सकते हैं। हम जिन जरायम की तलाश में हैं उसकी कुछ जड़ें इस जेल की चार दीवारी में भी पैवस्त हैं, उन्हें ढूंढकर निकाल कर हमें खोदना होगा। और मंत्री साहब, आपसे खास बात यह कहना थी कि हमारी गैर हाजिरी में इंस्पेक्टर वागले आपसे हॉटलाइन पर बातचीत किया करेंगे। ये जब कभी भी आपसे कहें आप हमारे लिए रिहाई के ऑर्डर भिजवा दीजिएगा। ठीक है, आप जब चाहेंगे आपकी रिहाई के ऑर्डर्स भिजवा दिए जाएंगे। नमस्कार। चीयर्स। चीयर्स। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो प्रलयनाथ। नया साल तुम्हें मुबारक और सूर्यदेव सिंह का जेल जाना मुझे मुबारक। राधा बिटिया कहीं नजर नहीं आ रही? नजर तो तुम्हारा बेटा रसिक नाथ भी नहीं आ रहा। अरे भाई, इन नौजवान लोगों का हम बूढ़ों से क्या मतलब। मना रहे होंगे कहीं नया साल अपने जवान दोस्तों के साथ। योनर,
डांसर मिस अनीता चौधरी की लाश का समुद्र के उसी किनारे से मिलना और उसी जगह से राधा टंडेल के कपड़े और सैंडलों का मिलना, इंस्पेक्टर वागले को मिली हुई गोली और अनीता चौधरी के पेट से निकली हुई गोलियों का एक ही रिवॉल्वर से चला होना और उस रिवॉल्वर पर किसी और की उंगलियों के निशान होना, यह साबित करता है कि इस केस में किसी और का भी हाथ हो सकता है। इसलिए जब तक ये बातें खुलकर अदालत के सामने नहीं आती, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इन तीनों की जमानत मंजूर कर ली जाए। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त ने बड़ी आसानी के साथ कह दिया कि इस केस में किसी और का हाथ भी हो सकता है, लेकिन ये बात कहते हुए मेरे फाजिल दोस्त भूल गए कि अनिता चौधरी की लाश के पास संजय चौहान का पर्स भी मिला है। योर ऑनर, मिस राधा टंडेल जिनके साथ बलात्कार हुआ, उन्होंने अस्पताल में पुलिस इंस्पेक्टर के सामने इन तीनों की शनाख्त की है। योर ऑनर, इसके अलावा डॉक्टर गुप्ता की रिपोर्ट मौजूद है। इन तमाम बातों से जाहिर है योर ऑनर कि रेप और मर्डर इन्हीं तीनों ने एक साथ मिलकर किया है, लिहाजा मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि इनकी जमानत किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं की जाए। सरकारी वकील की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत संजय चौहान, आलोक वर्मा और अली खान की जमानत नामंजूर करती है और इन्हें पुलिस की हिरासत में रखने का हुक्म देती है। योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर वागले, इस केस की छानबीन मैं कर रहा हूं, अदालत से इस केस के बारे में कुछ कहने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू सर। योर ऑनर, इंसाफ के इस मंदिर में आपको न्याय करते हुए कई साल हुए होंगे और इन सालों में आपके सामने रेप और मर्डर्स के अनगिनत केसेस भी आए होंगे। क्या उन अनगिनत केसों में आपके सामने कोई ऐसा केस आया है जहां कत्ल और बलात्कार करने वाले ने जिसके ऊपर बलात्कार किया है उसे खुद अस्पताल पहुंचाया हो? यह तो अभी तक सुना नहीं कभी। सही कह रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ऑर्डर, ऑर्डर। इंस्पेक्टर वागले, मुझसे सवाल करने की बजाय आप इस केस में रोशनी डालिए। वही कोशिश कर रहा हूं सर। अदालत सरकारी वकील की जिन दलीलों को मद्देनजर रखते हुए इन लड़कों की जमानत नामंजूर कर रही है, मैं उन्हीं दलीलों के बारे में कुछ कहने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। सरकारी वकील का कहना यह है कि अनीता चौधरी की लाश के पास संजय चौहान का पर्स मिला। हो सकता है बेहोश राधा टंडेल को उठाते वक्त वो पर्स वहां गिर गया हो। अब इनका कहना यह है कि राधा टंडेल ने इन लड़कों के खिलाफ बयान दिया है। यह भी तो हो सकता है कि वो बयान उसे किसी के दबाव में आकर दिया हो। जिस डॉक्टर ने बलात्कार की रिपोर्ट बनाई वो भी खरीदा गया हो। आपकी इन दलीलों से अदालत अपना फैसला नहीं बदल सकती। यह फैसला आप जबरदस्ती इन पर लाद रहे हो। इंस्पेक्टर वागले, अगर मैं चाहूं तो अदालत की तौहीन के जुर्म में मैं तुम्हें अभी टर्मिनेट कर सकता हूं। कोई परवाह नहीं है मुझे इस बात की। मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून? यह कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है। इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं। टेक हिम आउट ऑफ द कोर्ट। अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत ना ली हो तो ही मुझे हाथ लगाना। इन्हें गिने भुक्कड़ लोगों की वजह से अदालत शतरंज की बिसात बन गई है जहां कोई भी आकर कानून से खेल सकता है। लेकिन इन खिलाड़ियों को अगर मैंने सच्चा कानून नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी शिवाजीराव वागले नहीं। नहीं यार, इस तरह तो हिम्मत हार के हम बिना फांसी के ही मर जाएंगे। ये क्या हो गया तुम दोनों को यार? अली, सोचता हूं मेरी बहन शांति पर क्या बीत रही होगी। मुझे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया उसने। लोगों के घर में काम कर करके अपने हाथों पे मेहंदी की जगह छाले डाल लिए उसने। आलोक, तुम्हारी तो वो सिर्फ बहन है मगर मेरे लिए वो बहन भी है और मां भी है। अगर बचपन से ही उसका प्यार मुझे ना मिला होता तो शायद ये अनाथ सड़कों पर ही अपना दम तोड़ देता। मेरी मां पर भी क्या बीत रही होगी, वो तो रो रो कर पागल हो गई होगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका भरोसा भगवान पर से भी उठ जाएगा। तुम इन तीन लड़कों के केस में कहां उलझ गए? हो सकता है
इन बच्चों का केस महज इत्तेफाकी हो। इत्तेफाक नहीं है सर, ये कड़िया भले ही अलग अलग नजर आ रही हो लेकिन अगर गौर से देखें तो ये सब एक ही जंजीर की कड़ियां हैं, जिसमें एक न एक दिन जीवनलाल टंडेल, रसिकनाथ और गुंडा स्वामी की कलाइयां फंसेंगी। ये इत्तेफाक नहीं है सर, इत्तेफाक नहीं है। हेलो सर, मैं तुम्हारी आवाज अच्छी तरह पहचानता हूं जेलर। तुम वहां से कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ सुनो, क्योंकि जब से तुम्हारी जेल में सूर्यदेव सिंह आया है तुम्हारी दीवारों के भी कान हो गए हैं। मुझे वागले और उसकी मीटिंग का पता चल चुका है। वो तीन लौंडों के केस की सीढ़ी बनाकर मुझ तक पहुंचे, उसके पहले उसकी सीढ़ी के हर डंडे को काटकर फेंक दूंगा मैं। सुनो जी, मुन्ना और उसके खतरनाक खूनी साथियों को आज रात को पुलिस की वर्दी में जेल से बाहर निकाल दो और उनको समझा दो पुलिस स्टेशन जाकर उन तीनों लड़कों का बिल आत्महत्या के नाम पर फाड़ दें। टेलीफोन का वायर काट दो, अब इसे बांध दो। डरो मत, तुम्हारी जमानत हो चुकी है, हम लोग तुम्हें रिहा करने आए हैं। क्या वक्त हो, किसने बताया तुम्हें? कुछ देर पहले तुम जेल की कोठरी में बंद थे, फिर वहां से निकले कैसे और अपने ये कपड़े पहनकर यहां किसके हुक्म से आए? हम अपने हुक्म के खुद मालिक हैं, हम अपने हुक्म से ही अंदर आए थे और अपने हुक्म से बाहर चले जाएंगे तुमसे अच्छी तरह मिल लेने के बाद। तुम्हें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि तुम किसके सामने बैठे हो। हमें मालूम है, इसीलिए तो जूते तुम्हारे मुंह के सामने रखे हैं। तुम जैसे गद्दारों से हम नहीं, हमारे जूते ही मुंह लगाते हैं। सूर्यदेव सिंह, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, भूल कैसे गए? हम आज भी ब्रिगेडियर हैं, कल भी ब्रिगेडियर थे। जेल में आना तो एक नाटक था तुम जैसे मुजरिम तक पहुंचने के लिए, और ये रहे तुम्हारे काम के कागज, ये हमारा रिहाई का ऑर्डर और ये है तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट। याद करो वो दिन जब तुमने ये वर्दी पहनने से पहले एक कसम खाई थी, याद करो।
हम कसम खाते हैं कि हम पूरी ईमानदारी और वफादारी से देश और कानून की रक्षा करेंगे। इन नंगों की बारात में ये वर्दी वाला दूल्हा नहीं जाएगा वागले, इसके भी कपड़े उतार डालो। के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। बेहोश होने से पहले तीन बार, होश में आने के बाद तीन बार तेरा इसी तरह इलाज करता रहूंगा।